नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति होती जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और महाराष्ट्र क्या फिर से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सवाल लोगों के जहन में कौंधने लगा है क्योंकि हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के कहर ने प्रशासन और आम लोगों की चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि सिर्फ बीते छह दिनों में राज्य में 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। अचानक से फिर से बाढ़ आने लगी है कोविड के मामलों की और ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर कहा भी था कि वो इसे थोपना नहीं चाहते, मजबूरी भी कोई चीज है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में लगातार मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते 1 मार्च को छोड़कर राज्य में औसतन 7,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 1 मार्च को 6,397 नए मामले दर्ज किए गए, फिर कुल मिलाकर 28 फरवरी और 5 मार्च के बीच महाराष्ट्र में 51,612 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन ना लगा दे इन मामलों को रोकने के लिए। और लॉकडाउन को लेकर मंत्री क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। लॉकडाउन के 1 साल बाद लोगों के कामकाज और प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाना संगत नहीं लगता, ये कहा है महाराष्ट्र के एक मंत्री ने। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में एक और लॉकडाउन करने की अनिच्छा जो है वो व्यक्त की थी। उन्होंने 28 फरवरी को कहा था कि मैं इसे थोपना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी भी कोई चीज़ है, यानी कि वो ये बता रहे थे कि अगर लॉकडाउन लगाऊंगा तो वो मजबूरी में लगाऊंगा, मैं इसे थोपना नहीं चाहता क्योंकि मुझे राज्य की चिंता है, लोगों की चिंता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा क्योंकि चिंताजनक हालात तो बनते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो भाई मजबूरी में लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कोई चारा आपके पास तो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।